Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. अगर आप आए दिन डिजिटल पेमेंट ऐप जैसे पेटीएम और फोनपे से मोबाइल रिचार्ज या बिल पेमेंट करते हैं तो ये खबर आज आपको जरूर सुननी चाहिए। दरअसल पेटीएम और फोनपे आपसे मोबाइल रिचार्ज या बिल पेमेंट के लिए कुल भुगतान पर एक्स्ट्रा चार्ज अलग से ले रहे हैं। ये पैसे सरचार्ज, प्लेटफॉर्म फीस या कन्वीनियंस फीस के नाम पर लिए जा रहा है। शायद आपको इस बारे में जानकारी भी ना हो। इसकी वजह ये है कि आप जब मोबाइल रिचार्ज या फिर कोई बिल पेमेंट करते हैं या फिर रिचार्ज करते हैं तो समय का अभाव होने के कारण आप इस बात पर ध्यान ही नहीं देते कि कंपनी अब मोबाइल रिचार्ज या किसी भी बिल पेमेंट के लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगा रही है। हालांकि फोनपे ने तो पिछले साल ही ऐलान कर दिया था कि अब मोबाइल रिचार्ज के लिए कंपनी शुल्क अलग से वसूलेगी। जानकारी के लिए आपको बता दें, फोनपे ने मोबाइल रिचार्ज के लिए 1 से 2 रुपए तक प्लेटफॉर्म फीस चार्ज करना शुरू कर दिया है। जैसे 50 रुपए से ज्यादा के रिचार्ज करने पर 1 रुपए का चार्ज अलग से देना होता है। वहीं अगर आप 100 रुपए से ज्यादा का रिचार्ज करेंगे तो आपको 2 रुपए का शुल्क अलग से देना होगा। खास बात है कि किसी भी पेमेंट मोड का इस्तेमाल यानी UPI या फिर फोनपे के वॉलेट, क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड, आप किसी के भी जरिए रिचार्ज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना ही होगा। जैसा कि आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि 100 रुपए के मोबाइल रिचार्ज के लिए आपको 101 रुपए का पेमेंट करना है। इस पेमेंट में 1 रुपए का प्लेटफॉर्म फीस कंपनी वसूल रही है। वहीं अगर बात पेटीएम की करें तो पेटीएम ने भी कुछ समय से मोबाइल रिचार्ज या बिल पेमेंट करने पर सरचार्ज लेना शुरू कर दिया है। पेटीएम मोबाइल रिचार्ज कराने पर 1 से 6 रुपए के बीच सरचार्ज ले रही है। ये सरचार्ज हर तरह के पेमेंट मोड जैसे पेटीएम वॉलेट बैलेंस, पेटीएम पोस्टपेड, UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड पर लिया जा रहा है। हालांकि ये सरचार्ज सभी यूजर्स से नहीं लिया जा रहा है, लेकिन सर्विस चार्ज कितना लगेगा ये तो तभी पता चलेगा जब आप रिचार्ज कर रहे होंगे। ये राशि आपके रिचार्ज अमाउंट पर निर्भर करती है। इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आप जरूर करें, लेकिन ध्यान दें कहीं आपकी जानकारी के बिना आपसे एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं वसूल लिए जा रहे हैं।